एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज बात कर रहे हैं कि फलादेश करने के लिए कुंडली को कैसा देखा जाए। जब भी हम कोई प्रश्न करता है तो जो भी प्रश्न किया जाएगा उस प्रश्न के भाव को देखा जाएगा, वो किस भाव से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। मान लो नौकरी के हिसाब से पूछ, व्यापार के हिसाब से पूछ रहा है तो नौकरी के लिए छठा भाव है, व्यापार के लिए सातवां भाव है। फिर इस तरह से शादी के लिए अगर प्रश्न पूछ रहा है तो सप्तम भाव है। और इसके बाद में अगर संतान के संबंधित प्रश्न होगा तो वो पंचम भाव होगा। तो हमें क्या देखना है कि जब भी मान लो विवाह संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो हमें कुंडली का जो सप्तम भाव है वो उसको देखेंगे कि सप्तम भाव पे कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रहों की युति है सप्तम भाव पे, सप्तम भाव में शुभ ग्रह देख रहे हैं या क्रूर ग्रह या पापी ग्रह देख रहे हैं। क्रूर और पापी ग्रह में शनि राहु केतु ये पापी ग्रह हैं तथा सूर्य और मंगल ये क्रूर ग्रह हैं। तो कौन से ग्रह देख रहे हैं या वहाँ बैठे हैं सप्तम भाव में, तथा कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है, शुभ दृष्टि आ रही है शुभ ग्रहों की या अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है। लग्न के हिसाब से भी कौन से जो कारक ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि आ रही है कि अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, अकारक ग्रहों की दृष्टि आ रही है। तो इस तरह से सप्तम भाव को देख लिया, उसके पश्चात आपको देखना है कि सप्तम भाव का स्वामी जो है वो कहाँ बैठा है। अगर सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में त्रिकोण में सौ राशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का, मूल त्रिकोण राशि का अगर ये इसी तरह से बैठता है और अंशों में भी अच्छा है तो उसको हम बली स्थिति कहेंगे, अच्छी स्थिति कहेंगे। तो ये स्थिति को देखना पड़ेगा, उसके पश्चात आपको ये फल अच्छा है मतलब उसका जो फल अच्छा आएगा ख़राब आएगा वो उस पर भी डिपेंड है कि वो जो दशा चल रही है, जिस ग्रह की दशा चल रही है उस समय पर, वो ग्रह की दशा उस लग्न के लिए वो योग कारक है अकारक है। अंतरदशा भी देखेंगे कि वो किस तरह से योग कारक है अकारक है। तो वो सब देख के दशा को देखा जाएगा कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। उसके पश्चात हमें देखना होगा कि गोचर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। गोचर में दो प्रमुख है शनि और गुरु। गुरु ग्रह अगर वो सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है गोचर में तो यह दर्शाता है कि वो आपको उसमें हेल्प करेगा। और शनि भी अगर उसको देखता है तो वो कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेगा। तो इस तरह से जब भी कुंडली का हम फलादेश करेंगे तो इन ये सब चीज़ें देखेंगे। साथ साथ में इन जर्नल हम बात करें तो कुंडली का जब भी फलादेश हो तो आपको ये स्थितियां देखने के पश्चात आपको चलित कुंडली भी देखना चाहिए, उसके बाद में नवांश कुंडली भी देखना चाहिए, उसके बाद में कुंडली विश्लेषण के लिए आपको योगों को भी देखना चाहिए, पंच महापुरुष योग आदि हैं उनको भी देखना चाहिए। इस तरह जब भी फलादेश करें तो राशि कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली को भी देखिए कि वो भी क्या दर्शाता है। अगर चलित कुंडली में अगर मंगल की स्थिति देखें, मांगलिक है या नहीं, अगर मान लो राशि कुंडली में मंगल छठे भाव में दिखा रहा है अपन, तो जब भी चलित कुंडली देखते हैं तो वो सप्तम भाव में दिखा रहा है। तो ये दर्शाएगा कि जो भी जातक और जातिका है वो मांगलिक हो गया, क्योंकि वो चलित कुंडली में मंगल आपका सप्तम भाव में आ गया। तो इस तरह से कुंडली का जो विश्लेषण करना है, फलादेश करना है, तो ये स्थितियों को देख के ही हमें फलादेश करना चाहिए, जो भी तो फलादेश अच्छा आएगा आपका। तो ये सरल से संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयास किया। आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे जो चैनल एसआर सिंप्लीफाई पे वीडियो उपलब्ध हैं उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और विश्लेषण के लिए हमने उसमें कुंडली का विश्लेषण किए हैं, तो आप ज़रूर उन वीडियो को भी देख के लाभ उठाइए। आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।